नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हर महिला को कभी न कभी व्हाइट डिस्चार्ज से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ स्थितियों में व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और कुछ स्थितियों में यह आपकी खराब सेहत के कारण हो सकता है। आमतौर पर महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज मासिक धर्म के बाद शुरू होता है, फिर ये हर महीने पीरियड्स के पहले और बाद में हो तो ये सामान्य माना जाता है, अगर इसके साथ कुछ परेशानियां ना जुड़ी हों तब। व्हाइट डिस्चार्ज प्राकृतिक तरीके से वजाइना को साफ रखता है, ये शारीरिक संबंध बनाने के दौरान चिकनाई भी देता है और यौन संक्रमण रोकने में भी मदद करता है। कई स्थितियों में व्हाइट डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है, गर्भावस्था, हार्मोन्स में बदलाव या वजाइनल इन्फेक्शन के कारण डिस्चार्ज की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। साथ ही इसके कलर में बदलाव होता रहता है और इससे तेज स्मेल भी आ सकती है। अधिकतर महिलाओं को पीरियड सर्कल के दौरान कई तरह का व्हाइट डिस्चार्ज होता है। सामान्य स्थिति में एक दिन में एक चम्मच के आसपास व्हाइट डिस्चार्ज होता है। ये गाढ़ा या पतला हो सकता है, इसका रंग सफेद और इसमें किसी तरह की स्मेल ना आ रही हो तो ये सामान्य है। कई बार ये हल्के पीले रंग का भी हो सकता है। पीरियड की डेट से कुछ दिन पहले होने वाला व्हाइट डिस्चार्ज कोशिकाओं और द्रव से भरा होता है। इसका रंग कभी कभी हल्का पीला हो सकता है, लेकिन अगर इसके कारण आपको खुजली, जलन या वजाइना में कोई और समस्या नहीं हो रही तब तक ये सामान्य माना जाता है। बता दें कि व्हाइट डिस्चार्ज अगर सही हो तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन कई बार इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। इस समय ये मात्रा में अधिक और स्मेल वाला हो सकता है। इस कारण महिलाओं को वजाइना में खुजली और जलन की परेशानी हो सकती है और ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।